राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से अब लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह के समय वॉकिंग निकलने पर लोगों की संख्या में भी धीरे धीरे जो कमी है वो दर्ज की जा रही है। वहीं दीपावली के बाद दिल्ली के प्रदूषण का स्तर और ज्यादा बढ़ने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार गंभीर से खराब श्रेणी में जाता जा रहा है। हालांकि दीपावली से पहले दिल्ली में हवा की रफ्तार में गति की वजह से कई इलाकों में AQI लेवल जरूर 400 से कम दर्ज किया गया, मगर अनुमानित तौर पर दीपावली आते आते दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल 400 के आंकड़े को पार कर सकता है। वहीं सुबह के समय सफेद धुंध की चादर भी दिल्ली को घेरे हुए है, जिस कारण इंडिया गेट के पास सुबह के समय इंडिया गेट की विजिबिलिटी महज 1 किलोमीटर से ही गायब हो गई है। राष्ट्र राजधानी दिल्ली में इस वक्त प्रदूषण की मार जो है पूरी दिल्ली झेल रही है, जिस कारण जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं उनको भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल हमारी मौजूदगी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर है, जहां पर आप देख सकते हैं ये इलाका सुबह के समय अमूमन जो है मॉर्निंग वॉकर्स और जॉगिंग करने वालों से खचाखच भरा रहता था, लेकिन अभी प्रदूषण की बढ़ोतरी की वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही कम संख्या में लोग नज़र आ रहे हैं, और जो नज़र आ रहे हैं वो या तो फेस मास्क पहने हुए हैं या फिर जो है अपने आप को चाहते हुए यहां से निकल रहे हैं, क्योंकि प्रदूषण का लेवल कुछ ज्यादा ही दिल्ली में बढ़ चुका है। अगर अभी इंडिया गेट के आसपास की बात करें तो यहां का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल है वो 237 तक पहुंचा हुआ है, जो कि खराब श्रेणी में माना जाता है। वहीं आपके सामने देख सकते हैं इंडिया गेट आपको अगर नजर आ रहा हो, क्योंकि उसकी विजिबिलिटी जो है इंडिया गेट की वो पूरी तरह से गायब हो चुकी है। धुंध की एक सफेद परत देखने को यहां मिल रही है। महज 1 किलोमीटर की दूरी पर यहां पर इंडिया गेट है। अगर आप सामान्य दिनों में यहां पर आते हैं तो इंडिया गेट आपको यहां से क्लियर दिखाई देता है, लेकिन अगर आज यहां पर आप खड़े होकर देखेंगे तो इंडिया गेट की विजिबिलिटी पूरी तरह से प्रदूषण की वजह से गायब हो चुकी है। अब ऐसे में प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है और सरकार के जो तमाम जो कदम उठाए गए हैं प्रदूषण की रोकथाम के लिए वो कहीं ना कहीं असर दिखाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं इंडिया गेट के पास सुबह के समय अमूमन वॉकिंग करने वाले लोगों की संख्या में काफी कमी देखी जा रही है, और जो लोग वॉक करने आते भी हैं तो उनका कहना है कि सुबह के समय अब उन्हें प्रदूषण की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहां पहले वो लंबी दूरी तक वॉक किया करते थे, वहीं अब प्रदूषण की वजह से उनके डिस्टेंस में भी कमी आई है। मॉर्निंग वॉक के लिए आए हैं, प्रॉब्लम तो बहुत हो रही है। नॉर्मली जैसे पहले आते थे इट वाज वेरी कंफर्टेबल, अब गले में जैसे लग रहा है कि वॉक करने पे सांस फूल रही है, बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम्स हो रही हैं। क्राउड भी बहुत कम है, जैसे पहले होता था उसके कंपैरेटिवली क्राउड बहुत कम हो गया वॉक करने के लिए। ऑब्वियसली ये तो बहुत फर्क पड़ता ही है, जितना पहले 10-10 कर लेते थे अब 7 या 8 में सांस फूलनी शुरू हो जाती है हमारी। क्या लगता है दिवाली तक ऐसे ही रहने वाला है उसके? और हर साल होता है, करा कुछ नहीं जाता, सिर्फ बातें होती हैं और कुछ नहीं होता। बहुत पोल्यूशन है, जैसे मैं पहले 8 किलोमीटर आराम से कर लेती थी, पर अब 6 में या मतलब 6.5 में बहुत सांस फूलता है, खांसी आती है, राधा कभी कभी मेरे को तो वॉमिटिंग हो जाती है। फेस मास्क पहनने की जरूरत है, पर फेस मास्क पहन के आप हर समय नहीं कंफर्टेबल होते ना, आप रनिंग नहीं कर सकते फेस मास्क, और सांस फूलता है, सांस नहीं आती तो मुश्किल तो होती है। आँखें जलती है बहुत ज़्यादा, आइज में से पानी निकलता है, कई बार सिर दर्द होती है, आँखें जलती है, तो पोल्यूशन। सुबह सुबह या तो 4 बजे आओ, 4:30 आओ, ताकि 5:30 तक, उसके बाद तो बहुत मुश्किल है। आज हम यहाँ 6:15 पहुँच गए थे, पर बहुत तब भी बहुत पोल्यूशन था। फिलहाल दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और विशेषज्ञों के मुताबिक दीपावली आते आते ठंड के साथ साथ प्रदूषण का कहर भी दिल्ली वालों पर और ज्यादा बरसने की उम्मीद है। ऐसे में सरकार द्वारा प्रदूषण की रोकथाम पर उठाए गए कदम कितने कारगर साबित होते हैं ये देखने वाली बात होगी। टोटल टीवी के लिए सहयोगी सुरवीर के साथ दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।